हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य, जो बहुत ही ज़रूरी अहम चैप्टर है अर्थमेटिक का। पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। इसमें टाइम जो दिया हुआ रहता है, टाइम यानी समय, वो एक्चुअली डेज में या आवर्स में दिया हुआ होता है, यानी घंटा या दिन में दिया हुआ रहता है और मिनट में भी दिया हुआ रहता है। तो और वर्क जो होता है, वर्क एक्चुअली इसमें दिया हुआ जनरली नहीं रहता है, दिया हुआ नहीं रहता है। इसमें अगर एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वर्क कहते हैं कि वर्क से यह मतलब है कि कुल कार्य की मात्रा, कुल कार्य की मात्रा, वर्क जो है कुल कार्य की मात्रा मान लिया जाता है। इसमें सवाल जो आता है तो उसमें इस तरह से दिया हुआ रहता है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि टाइम एंड वर्क में इनडायरेक्ट रेशियो काम करता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब जिसको कहते हैं वित्त कर्म अनुपाती, यानी उल्टा अनुपात काम करता है। ये बहुत ही ज़रूरी है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानना कि इसमें टाइम और इफिशियंसी। वर्क जानने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि इसमें इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि टाइम का उल्टा रेशियो होगा, यानी टाइम का उल्टा रेशियो होगा इफिशियंसी, इफिशियंसी यानी कि अगर कोई आदमी किसी काम को करने में ज़्यादा समय लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका क्षमता कम हो गया, यानी काम और क्षमता उल्टा अनुपात होता है। जैसे अगर कोई आदमी कम समय में ज़्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब कि उसका क्षमता ज़्यादा होगा। इसको चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के द्वारा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक किसी काम को यहाँ पे लिख देते हैं, एक किसी काम को यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे, एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन है, तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। जनरल जो क्वेश्चन दिया जाता है इसमें, उसमें कार को नहीं बताया जाता है, क्योंकि दो और तीन आदमी दिया जाता है और काम को बताया नहीं जाता है। क्यों? इसके बारे में आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जान लीजिए। सपोज कर लीजिए कि आप दो मिठाई बनाने वाले को अपने घर में बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि आप कैसे पकड़िएगा कि दोनों में से कौन अच्छा है, किसका क्षमता ज़्यादा है, कौन अच्छा काम करता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि दोनों को एक निश्चित काम दे दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल, दोनों को बोल दीजिएगा 100 100 लड्डू बनाना है। 100 100 लड्डू दोनों को बराबर देंगे काम, यानी फिक्स काम, तभी आपको पता चलेगा कि कौन जल्दी कर रहा है।
कि 100 लड्डू को दोनों को दे दिए, जो जल्दी बना दिया इसका मतलब कि वो अच्छा है, उसका क्षमता ज्यादा है, और जो देर से बनाता है समझिए उसका क्षमता कम है। इसलिए मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि अगर दोनों को आप अलग काम दीजिएगा तो आप कभी नहीं बता सकते हैं कि दोनों में किसका क्षमता ज़्यादा है। मान लीजिए आप किसी एक को कम काम दे दिए, एक को बोल दिए 50 लड्डू बनाना है और एक को बोल दिए 100, अब फिर कंपेयर कर रहे कौन क्षमता ज़्यादा है, तब तो ज़्यादा चांस है कि जिसको आप कम काम दिए वही का क्षमता ज़्यादा है, वही जल्दी जल्दी पूरा करेगा। तो ऐसे आप नहीं पकड़ सकते कि क्षमता किसका ज़्यादा है, कौन जल्दी करेगा। तो इसलिए बराबर काम देना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर क्या बोलते हैं, जैसे शरबत कंपटीशन चला रहे, दो आदमी को लाए, आपको जानना है कि दोनों में से कौन जल्दी मतलब शरबत को पी सकता है, तो आप क्या कीजिएगा कि एक बड़े गिलास से, बराबर गिलास से, याद रखिएगा सेम गिलास और बराबर गिलास से दोनों आदमी को दीजिएगा, जो दो प्रतियोगी होगा, तब आप जांच सकते हैं कि जल्दी कौन पी रहा है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक को छोटा गिलास में दिए और एक को बड़ा, और फिर बोलिएगा कि छोटा वाला जीत गया तो आप उसको प्राइज दे दीजिएगा, ये तो बेईमानी हो जाएगा। आपको किसी का भी क्षमता जांचना है ईमानदारी के साथ, तो आप उसको सेम काम दीजिएगा। तो मेरा इतना बताने का मकसद यही था, यही वजह है कि टाइम एंड वर्क में कभी भी काम वो नहीं बोलता है, वो सिर्फ बोलता है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को, काम में फर्क नहीं है। जैसे मैंने अभी लड्डू का एग्जाम्पल दिया कि 100 लड्डू है, तो मिसाल यहाँ पे वही ले लेना है आपको, एग्जाम्पल माइंड में रखना है, बिल्कुल आप सही तरीके से बनाइएगा, इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद बहुत ही आसान लगने लगे आपको टाइम एंड वर्क। देखिए जैसे एग्जाम्पल, जो लड्डू वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि एक आदमी 100 लड्डू हम अपने तरफ से मान लेते हैं, क्योंकि आप एक भी मानिएगा ना एक लड्डू, तब भी आप इन दोनों का कार्य कुशलता यानी क्षमता जान सकते हैं, यानी कि दोनों को सेम लड्डू, एक एक लड्डू दे दें कि दोनों बनाओ, दोनों में से जो हो सकता है मिनट लगे, लेकिन दोनों को एक ही लड्डू बनाने में ही आप पकड़ लेंगे कि किसका क्षमता ज़्यादा है, लेकिन एक भी मान सकते हैं, 100 भी, 200 भी, 1000 भी। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो गया कि आप कार्य क्यों अपने तरफ से 100, 1000 कुछ भी मान सकते हैं। आज तक तो आप सुने होंगे सिर्फ मान लिया जाता है, क्यों मान लिया जाता है कोई बताता नहीं, आज आपको मैं बता रहा हूँ और बिल्कुल ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप समझ चुके, मैंने एग्जाम्पल दिया लड्डू का, आप एक लड्डू से भी पकड़ सकते हैं दो आदमी का क्षमता ज़्यादा है या कम, और 100 लड्डू से भी। इसलिए आपको आज़ादी है कि आप टोटल वर्क जो है उसको 1 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं। तो आज आपको ये मालूम चल चुका है कि क्यों ले सकते हैं 100 और 1, ये चीज़ कोई क्लियर नहीं करता है, आज हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल की चलिए लड्डू का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए किसी ए मतलब मान लेते हैं 100 लड्डू को 12 दिन में बना सकते हैं, बी 100 लड्डू को 15 दिन में बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको यहाँ पे खुद ही आप ये समझ चुके होंगे कि जो ज़्यादा दिन ले रहा है यानी कि उसका कार्य कुशलता कम है, क्षमता कम है, स्लो है वो, इसलिए टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो अब बोल रहा है कि दोनों मिल जाए, यानी जब दोनों मिल जाए, दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो यानी जब दोनों मिल जाए ए और बी, तो काम को कितने दिनों या कितने समय में करेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन के तरफ आते हैं, आप समझ चुके होंगे, मेरा यहाँ पे बताने का मकसद था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हमारा अप्रोच क्या होगा बनाने का, आप देखिए। क्वेश्चन था यहाँ पे, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। कार्य के बारे में कभी आपको नहीं बोला जाएगा, वो आपको मानना है, इसलिए कि कार वो बोल ही नहीं सकता है, बोलेगा तो गड़बड़ आ जाएगा, अगर सेपरेट सेपरेट कार दे देगा तो क्षमता कहाँ से पता चलेगा। मैंने आपको लड्डू का एग्जाम्पल दिया, अगर 100 लड्डू दो मतलब क्षमता जानना है दोनों के बारे में कौन कार्य कुशल है, तो सेम काम देना होगा, इसलिए वो सेम काम रहता है, इसलिए क्वेश्चन में कभी नहीं दिया जाता इसको दो काम, इसको एक काम, ऐसा कुछ नहीं, वो अपने से मानना होता है। तो हम कैसे इसको बनाएंगे सो देखिए,
हमें आजादी है कि हम एक काम मान लें, यानी कि हम ये भी काम कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कुआं खोदना, तो एक कुआं खोदना है पूरा, वो तो बहुत बड़ा काम है। तो एक कुआं को मतलब ए 12 दिन में, बी 15 दिन में खोद सकता है, ठीक है ना। या 1,000 काम हो, यानी कि 1,000 पेन बनाने का, समझिए ये मार्कर है, 1,000 मार्कर ए 12 दिन में बनाता है या बी 15 दिन में। तो यहाँ से ये पता चला काम एक भी हो सकता है, काम 1,000 भी हो सकता है। तो आप जो है ना अपने तरफ से काम को एक भी मान सकते हैं, 1,000 भी, 100 भी, 50 भी, लेकिन हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि अगर एक मानते हैं, अगर एक मानते हैं तो फिर 12 से डिवाइड करने में आपको आगे चल के दिक्कत होगा, फिर पॉइंट में आ जाएगा। याद रखिएगा, टाइम एंड वर्क बनाने में आपको पॉइंट से और दशमलव से, जिसको दशमलव कहते हैं, उससे बचना है। जहाँ आप फ्रैक्शन में आइएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा डिवाइड करना, फ्रैक्शन से बचना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर को टोटल वर्क मानेंगे, क्योंकि हमें आज़ादी है, एक मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसे नंबर को माने जो दोनों से डिवाइड हो जाए। हम जानते हैं कि ऐसे संख्या को जो दी हुई दो संख्या से डिवाइड डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो हम एलसीएम को लेंगे, टोटल वर्क जो हम लेंगे ये 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना होता है? एलसीएम होता है 12 और 15 का, हो जाएगा 60, हो जाएगा 60 होगा इसका एलसीएम। एलसीएम की भी मैं ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए, यानी 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। 60 मैं मान लिया कि ये है टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क 60 है अपने तरफ से मान लिया, क्योंकि आज़ादी है हमको। यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं लड्डू वाला, यानी 60 लड्डू बनाना है, जिसको ए बनाता है 12 डेज में और बी बनाता है 15 डेज में। तो अब हम यहाँ से हम इसका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ये टाइम है, ध्यान दीजिएगा, ये टाइम है, ये टोटल वर्क है, और यह इफिशियंसी है। शॉर्ट में लिखते हैं इफिशियंसी। तो यहाँ पे आप किस तरह निकाल सकते हैं कि 12 दिन में 60 लड्डू बना सकता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। यानी कि 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 60, 12 5 60, ठीक है, ये निकल गया। यानी कि एक दिन में वो 5 लड्डू बनाता है। अब लेते हैं बी के बारे में, तो बी 15 डेज में 60 लड्डू बनाता है, यानी 60 लड्डू को 15 दिन में, तो यानी एक दिन में 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, आ जाएगा 4 आ गया। यानी बी एक दिन में 4 लड्डू बनाता है, जो एक दिन में यानी एक इकाई समय में किया गया कार्य इफिशियंसी कहलाता है, क्षमता। यानी क्षमता को हम मापेंगे किसी इकाई में, इकाई समय में किए गए कार्य को देख के। यानी कि एक दिन में ए 5 लड्डू बना सकता है, ठीक है, और बी एक दिन में 4 लड्डू बना सकता है। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जो कम समय में, यानी 12 दिन बी के मुकाबला में कम समय में कर रहा, यानी इसका क्षमता ज़्यादा है। यानी कोई अगर काम को कम समय में कर रहा तो क्षमता ज़्यादा है। यानी टाइम और इफिशियंसी उल्टा रेशियो होता है, यानी कि टाइम जो कम लेगा उसका क्षमता ज़्यादा होगा, और जो टाइम ज़्यादा लेगा यानी 15 दिन, उसका क्षमता कम होगा। फॉर इस सिंपल ही है, आप डेली टू डे लाइफ से आप महसूस कर सकते हैं। ऐसा और भी बहुत जगह पे उल्टा रेशियो काम करता है, जैसे टाइम एंड स्पीड में। अगर आप गाड़ी को स्पीड चलाइएगा तो कम समय में मंजिल को तय कीजिएगा, और गाड़ी को स्लो चलाइएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको उल्टा रेशियो बोलते हैं, यानी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहीं पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप समझ चुके कि टाइम एंड इफिशियंसी का रेशियो इनडायरेक्ट होता है, यानी अपोजिट, उल्टा होता है। तो सवाल क्या था कि ए 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में। तो ए का यहाँ पे हम इफिशियंसी निकाल लिए, क्षमता, यानी ए एक दिन में 5 लड्डू बनाता है, बी
15 दिन में 60 लड्डू बनाता था, यानी एक दिन में वो 4 लड्डू बनाता है। तो सवाल था, तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे? काम है 60, 60 हम लड्डू मान लें, तो 60 लड्डू बनाना है तो कितने दिन में? तो हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का क्षमता को, यानी कि ए बनाता है 5 दिन में, एक दिन में 5 लड्डू, बी 4 लड्डू, यानी कि दोनों अगर मिल जाए, यानी दोनों को जोड़ दें, तो एक दिन में मेरा 9 लड्डू बन जाएगा, एक दिन में 9 लड्डू। तो एक दिन में 9 लड्डू बनाना है 60, तो हाँ कितना दिन में बनेगा तो डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे निकल जाएगा ए प्लस बी, यानी दोनों, तो यानी कि ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर, ए प्लस बी हम शॉर्ट में लिखे, यानी दोनों मिलकर, दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे? तो 60 काम है, यानी 60 लड्डू हम एग्जाम्पल लिए थे, और एक दिन में 9 बनाते हैं, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 9 6 54, एंड यहाँ 54 6 बाय 9, यानी इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9, यानी यहाँ पे निकल गया आंसर। यहाँ पे हम ले लेते हैं, यह आंसर आया 6/2/3 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये हुआ आंसर, यानी 6/2/3 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा जब दोनों मिलकर करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीका है। फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि ए 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, तो मैं इसको टोटल वर्क जो है एलसीएम ले लिए, एलसीएम ऑफ 12/15, इसका एलसीएम 60 आया, ये टोटल वर्क मान ली। तो यहाँ से हमको टोटल वर्क मानने से क्या हुआ कि हमको क्षमता निकालना आसान हो गया, तो यानी कि ए 12 दिन में 60 काम कर सकते हैं, यानी 60 लड्डू बना सकता है, यानी कि रोजाना वो 5 लड्डू बनाता है। बी 15 दिन में 60 लड्डू बना सकता है, यानी एक दिन में 4 लड्डू बनाता है। तो सवाल था कि दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तो यहाँ हम दोनों को जोड़ दिए, इसका एक दिन का इसका 5 लड्डू, और ये एक दिन का इसका 4 लड्डू, यानी दोनों मिलकर अगर काम करे तो 9 लड्डू एक दिन में बना देगा, तो टोटल बनाना है 60, तो टोटल ही तो हमको पूछा है, तो 60 को 9 से डिवाइड कर दिए, यानी कि टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर दिए, तो मेरा कंप्लीट डेज आ गया, कि यानी ए और बी दोनों मिलकर 6/2/3 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, को एक क्वेश्चन लेते हैं उसी का दूसरा। ए किसी कार को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को 20 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर, यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं ए प्लस बी, इसका मतलब दोनों मिलकर, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप इसको लिख अपने कॉपी में उतार सकते हैं। तो ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल मेथड है जिसको मैंने अभी बताया, कि ए किसी कार को 15 दिनों में कर सकते हैं, बी उसी कार को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर, ये टाइम है याद रखिएगा, ये टोटल वर्क क्या होगा, दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 60, यानी कि एक दिन का, यानी कि इफिशियंसी हम यहाँ से निकाल लेंगे आसानी से, इफिशियंसी होगा, इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। मतलब यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको आसानी हो, एग्जाम्पल से आप आसानी से समझिए, वही काम मान लेते हैं, यानी टोटल वर्क है लड्डू बनाने का,
सिंपल है, थोड़ा मजाकिया लेके मैथ को पढ़िए तभी आपको अच्छा लगे, है ना। तो 60 लड्डू बनाना है। ए 15 दिन में पूरा बना लेते हैं 60 लड्डू, बी 20 दिन में बना लेते हैं। मतलब ये हुआ कि ए 1 दिन में 4 लड्डू बनाता होगा, तभी तो 15 दिन में पूरा 60 लड्डू बना देगा। तो यहाँ से 1 दिन का निकल गया, यानी इसी को क्षमता बोलते हैं। और बी 60 लड्डू को 20 दिन में बनाता है, मतलब हुआ कि 1 दिन में वो 3 लड्डू बनाता होगा, तभी तो 20 दिनों में पूरा 60 लड्डू। यानी यहाँ पे मिल गया दोनों का क्षमता, एफिशिएंसी। तो अब सवाल था दोनों मिलकर ए प्लस बी, यानी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने समय में करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 3 7 हो जाएगा। यानी दोनों अगर मिल जाए तो 1 दिन में 7 लड्डू बना देंगे। तो हमको टोटल बनाना है 60। तो यहाँ पे निकल जाएगा टोटल टाइम, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ TT, ये होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला का ये बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। हमारा मकसद है कि मैथमेटिक्स को मैथमेजिक की तरह पढ़ें, यानी आसानी के साथ साथ जादुई तरीके से, है ना। कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब 1 दिन में 7 लड्डू बना रहा, तो 60 लड्डू बनाना है, तो 60 को डिवाइड करेंगे, सिंपल है। तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 7 × 56, और यहाँ पर 4/7, ये इतने डेज में काम कंप्लीट होंगे, ये हुआ आंसर। चलिए अब क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं। ये सब बहुत ही आसान था, सिंपल। और किस तरह सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे सवाल पूछता है कि किसी कार को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए किसी कार को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए तथा बी साथ मिलकर उसी कार को 8 दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, यानी अब जो दिया है हुआ है एक सेपरेट ए का दिया हुआ है, और अब बोल रहा है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी मिलकर कार को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहले क्या था, ए का अलग बी का अलग दिया हुआ रहता था, और निकालने को कहता था दोनों मिलकर कितने दिनों में करें। अब यहाँ पे दे दिया दोनों मिलकर 8 दिन में, और ए अकेला 12 दिन में। जाहिर सी बात है जब दो आदमी मिलेंगे तो काम जल्दी होगा, यानी 8 दिनों, और जब आदमी अकेला होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ 12 दिनों में। तो सवाल ये है कि ए 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है, और ए बी मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताएं बी अकेला उसी कार को कितने समय में समाप्त करेगा। तो सवाल है कि बी उसी कार को कितने समय में समाप्त करेगा। सवाल तो समझ चुके होंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि ए का दिया हुआ है ए 12 दिनों में कर सकता है किसी काम को, उसी काम को ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट अकेला बी का पूछा जा रहा है, बी उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो बस वही अप्रोच है, और जितने भी मैं यहाँ पे सवाल करा रहा हूँ सब SSC, रेलवे, प्रीवियस ईयर में ये सब आ चुके हैं और आते रहते हैं। आप हमारे से चैनल के साथ जुड़े रहिए, और बहुत ही आसान इजीएस्ट मेथड के द्वारा इसको हम सीखने की कोशिश करें। तो चलिए इसको हल करते हैं, सॉल्यूशन। तो देखिए एक किसी कार को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वही अप्रोच है कि हम टोटल वर्क मान लेंगे ऐसे नंबर को जो दोनों से डिवाइड हो जाए, जो कि इसका एलसीएम होगा। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। तो ए अकेला ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगी, यहाँ पे इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 8 को डिवाइड ए 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो
थ्री आएगा। मतलब ये हुआ, ये टोटल वर्क है, यानी कि 24 लड्डू को ए अकेला 12 दिनों में बना सकता है और ए और बी मिलकर 8 दिनों में बना सकता है, ठीक है, यही हुआ। तो बी का सेपरेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से कि ए की इफिशियंसी 2 है और ए और बी जब मिलता है तो 3 है। मतलब क्या हुआ, ए का तो इसमें 2 मिला हुआ है, शामिल है, और जो एक है यानी कि इसका जो डिफरेंस 1 है, ये इफिशियंसी किसका है, ये बी का है, क्योंकि दोनों मिला करके 3 लड्डू बना रहा है और ए 2 बना रहा है, यानी कि ये जो एक एक्स्ट्रा है वो बी का है, बी बना रहा होगा, तो यहाँ से बी की इफिशियंसी निकल चुकी। तो अब हमसे पूछा है बी, सवाल क्या था, बी उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो टोटल कार्य है 24 लड्डू बनाना है, बी अकेला रोजाना एक लड्डू बनाता है, तो एक 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 24, यानी यही हो गया आंसर, यानी 24 डेज में। बहुत ही आसान है, सेकंड में, विदिन 10 सेकंड हल हो जाएगा, या ऐसे क्वेश्चन थे, तो बहुत ही आसान है। तो और मैं लेवल क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाऊंगा, इसके लिए मैं अगले वीडियो मेरे अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, मैं ज़रूर एकदम हार्ड हार्ड क्वेश्चन को विदिन 10 और 20 सेकंड हल करने की, सिर्फ हल करने के पीछे नहीं बल्कि उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पूरा रेशियो समझ सकते हैं, पूरा परसेंटेज। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हर एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में फंसते चले जाइएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।